जब दरोगा संत कबीर नगर एएसआई को ये नहीं पता कि राइफल में गोली कहाँ लगती है, नली के रास्ते से ही गोली डाल दिया। डीआईजी निरीक्षण पर निकले थे, इसी दौरान खलीलाबाद थाना में यह हाल देखने को मिला। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल चाहेंगे सर, लिस्ट लेंगे सर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान आया सामने, उमा भारती के संघर्ष को भूली भाजपा। प्रदेश में भाजपा को जो भी मिला उमा भारती से मिला। 2003 में एमपी में भाजपा की सरकार उमा भारती के संघर्ष की वजह से बनी थी, उन्हीं उमा भारती को भाजपा कर रही उपेक्षित। अजय सिंह ने उमा भारती को सम्मानित नेता बताते हुए कहा कि दूध से मक्खी की तरह भाजपा ने उन्हें कर दिया है दरकिनार। उमा भारती की पीड़ा को अजय सिंह ने बताया जायज। जब वोट मांगने मतदान करना चाहें तो आप अपने सो विवेक का इस्तेमाल करें, लोधी समाज को उन्होंने आह्वान किया सर। देखिए, उमा जी को मैं बहुत आदर करता हूं और उन्हीं की बदौलत 2003 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और उनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से सत्ता में है। लहजे में उमा भारती का बयान आया सामने, मेरी फोटो दिखाकर लेते हैं लोधियों के वोट। लोधी लोधी परिजन सम्मेलन में बोली उमा भारती, मैं नहीं कहती कि तुम भाजपा को वोट करो, खुद का निर्णय लो। पंचायत उपचुनाव को लेकर कलेक्टर पहुंचे लालपुर, सरपंच पद का होना है चुनाव, प्रत्याशियों एवं ग्रामीणों को निष्पक्ष चुनाव करने की दी समझाइश। आप तस्कर के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के नेतृत्व में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब तस्कर के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शासकीय जमीन पर कब्जा कर दुकान बनाकर अवैध शराब की बिक्री करने वाले अशोक द्विवेदी के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने पकड़ा नगर निगम में बड़ा घोटाला, जो कर्मचारी काम पर नहीं आते उनकी नगर निगम से सैलरी जा रही है। लगभग 200 कर्मचारियों की लिस्ट बनकर तैयार की जा रही है, 6 सदस्यीय टीम कर रही है इसकी जांच। उन सभी कर्मचारियों को नगर निगम से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। कि नगर निगम में मेरी जानकारी में 200 ऐसे कर्मचारी है जिनकी सैलरी जाती है, वो काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं इन पर कार्रवाई नहीं करता हूँ। फाइट में फाइट का वीडियो हुआ वायरल, बैंक और भारत के बीच उड़ान भरने वाली थाई इस्माइल एयरवे की फ्लाइट में यात्रियों के बीच हुई भिड़ंत, यात्रियों के बीच हुई मारपीट।